की क्लास में किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन, ठीक है, सभी को एक सब कुछ आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, विल स्टार्ट द क्लास इन अ मिनट, इन अ मिनट विल स्टार्ट, ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक करवाया है? वी आर डूइंग एक्सेप्टेंस राइट नाउ, We're doing acceptance. We have done the basic. We have done offer, and right now we are doing ठीक है, स्टार्ट करें। ऋषभ, शैल वी स्टार्ट? जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, आई गेस कि लास्ट आई हैव लगेंगी, देर विल बी 4 to 5 क्लासेस मोर फॉर कॉन्ट्रैक्ट, 4 to 5 मोर, इतना तो हो जाना चाहिए, इतने में आई ट्राई टू रैप अप। और सारी क्लासेस कैसे चल रही है? इट डिपेंड्स कि ऑफरर क्वालिटी हो चुकी है, लेट मी बायर, इट डिपेंड्स, लाइक मान लो दैट इफ आई हैव टू बाय समथिंग, ठीक है, आई गो टू ऋषभ एंड आई से कि ऋषभ विल यू बाय माय कार, तो ऑफर कौन ले रहा है? आई एम गिविंग द ऑफर, तो आई विल बी द ऑफरर, राइट? इफ इन केस मान लो कि आई गो टू ऋषभ एंड आई टेल हिम कि ऋषभ विल यू बाय माय कार, तो उसमें क्या है? आई एम द सेलर एंड आई एम द ऑफरर, इन दिस केस द बायर विल बी ऑफरिंग, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम क्लास टू क्लास, क्वालिटी ओवर जो हो चुकी है बढ़िया, तो सबको तो चबाना चाहिए फिर, नाइस, चलो चलो बढ़िया बढ़िया। ठीक है चलो, नाउ विल स्टार्ट विद आगे, अब शुरू करते हैं, ठीक है, लिखो। आई थिंक द लास्ट क्लास आई टॉट टिल की एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल ऑफर में नॉलेज होना इज इम्पॉर्टेंट, एंड जनरल ऑफर में अगर परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन जो जनरल ऑफर में दी रहती है, इफ वी डू दैट, तो वो जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाता है। नॉलेज में मैंने केस लॉ बताया था आपको, क्या लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, रिमेम्बर, मिसिंग चाइल्ड वाला, राइट राइट, एंड इसमें क्या बताया था? द अदर साइड, द अदर साइड आई टोल्ड यू, कालिल वर्सेस कालिल वाला केस, कालिल स्मोक बॉल कंपनी वाला केस। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पुट अ हेड हेडिंग, सम अदर रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, सम अदर रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन सी इट, और ऋषभ आई एम नॉट एबल टू शेयर दी व्हाइट बोर्ड, भैया देखो, अब आप कर सकते हो यार, एक बार चेक करो प्लीज। ठीक है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहे हैं? जी दी, यस दी। नेक्स्ट इज सम अदर रूल्स ऑफ ठीक है, एक्सेप्टेंस कब देना होगा? व्हेन? तो अगर इफ अ टाइम इज प्रेस्क्राइब, इफ अ टाइम इज प्रेस्क्राइब, ये है सम अदर रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, डिलीट कर रही हूं, व्हेन इफ अ टाइम इज प्रेस्क्राइब, इफ अ टाइम इज प्रेस्क्राइब, लिख लो, इफ अ टाइम इज प्रेस्क्राइब देन
within that time, then before the lapse of the prescribed time, if a time is prescribed, then before the lapse of the prescribed time, ये प्रेस्क्राइब जो बेटा ठीक है कुछ और ही हो गया ये तो बिफोर दी व्हेन अ टाइम लिख लो ये ठीक से पूरा आई एम नॉट एबल टू राइट व्हेन में लिखो व्हेन अ टाइम इज प्रेस्क्राइब देन बिफोर दी लैप्स ऑफ दी प्रेस्क्राइब टाइम ठीक है इफ सेकंड लिखो अरे भैया बोल रही हूँ ना समझ में नहीं आ रहा तो क्या सुन तो पा रहे हो ना आप लोग कपिल लिखो ठीक से इफ टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड देन बिफोर द लैप्स लैप्स एलएपीएसई लैप्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टाइम देन बिफोर द लैप्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टाइम सेकंड लिखो इफ नो टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड then before the lapse of reasonable time if no time is prescribed then before the lapse of reasonable time theek hai next likho how if mode is prescribed then according to prescribed mode if no mode is prescribed then according to any reasonable mode ठीक है एक्सेप्टेंस किसको देना है whom उसमें लिखो टू हुम एक लिखो टू द पर्सन हु गेव द ऑफर टू द पर्सन हु गेव द ऑफर प्रपोजर टू द पर्सन हु गेव द ऑफर बाय हुम बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर वाज गिवन By the person to whom the offer was given. ठीक है हाँ सॉरी वो हाउ में ना नीचे लिख लो कि अगर मान लो देर इज अ डिपार्चर फ्रॉम द प्रेस्क्राइब मोड ठीक है तो लिखो अभी समझाऊंगी भी एक बार लिख लीजिए देन मैं समझाऊंगी भी इफ देर इज अ डिपार्चर फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड मोड हाउ वाले में अगर कोई प्रेस्क्राइब्ड मोड दिया हुआ है तो The proposer can accept the new mode. The proposer can insist on the prescribed mode. ठीक है लिख लिया सबने हाउ वाला मैंने मन चुका बताया था ना दैट इफ द मोड इज प्रेस्क्राइब्ड वाला उसमें आपको लिखना है उसी में नीचे करके लिखिए कि अगर इफ देर इज अ डिपार्चर इफ देर इज अ चेंज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड मोड तो क्या होगा तो होगा कि द प्रपोजर कैन एक्सेप्ट द न्यू मोड द प्रपोजर कैन इंसिस्ट on the prescribed mode the proposer can insist on the prescribed mode theek hai sabne likh liya dekho कहते हैं कि अगर मान लीजिए इफ देयर इज अ मोड इज गिवन ठीक है मान लो कि मैंने वंशिका को एक लेटर लिखा ठीक है आई रोट अ लेटर टू वंशिका एंड आई टेल हर
वंशिका, विल यू बाय माई कार, विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख रुपीज, एंड रिप्लाई मी विद इन अ वीक. ठीक है, इफ आई टेल हर कि वंशिका रिप्लाई मी विद इन अ वीक, तो ये जो ऑफर है इसका एक्सेप्टेंस कब तक हो सकता है? टुडे इज व्हाट, 24, आज ट्यूजडे है, तो अगले ट्यूजडे तक वंशिका नीड्स टू रिप्लाई. ठीक है, दिवंशिका नीड्स टू एक्सेप्ट माई ऑफर. इफ इन केस शी डजंट एक्सेप्ट माई ऑफर बाय, हाँ भाई, डेट विद इन अ वीक, इफ शी डजंट एक्सेप्ट माई ऑफर, तो क्या होगा? जो ऑफर होता है वो लैप्स हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट शी कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर. ठीक है, अगर मान लो इफ आई जस्ट टेल वंशिका कि वंशिका विल यू बाय माई कार 1 लाख रुपीज, आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी एंड आई एम विलिंग टू सेल माई कार, आर यू विलिंग टू बाय? तो इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब, तो इट शुड बी अ रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम से क्या मतलब है कि आपका विद इन अ रीजनेबल टाइम, मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर मैंने आज वंशिका को ऑफर दिया, आज वंशिका मतलब 6 महीना बाद रिप्लाई करे कि श्वेता मैम यू हैव गिवन मी दैट ऑफर नाउ, सो नाउ आई एम विलिंग टू बाय योर कार. नो, ऐसा नहीं चलेगा. इफ यू वॉन्ट टू बाय द कार तो यू नीड टू रिप्लाई मी विद इन अ रीजनेबल टाइम. क्लियर है? व्हेन इज क्लियर? ऑल राइट, हाउ, अगर मान लो हाउ में क्या होता है कि इफ देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड मोड, मान लो कि आई राइट अ लेटर टू वंशिका दैट वंशिका विल यू बाय माय कार फॉर 1 लाख रुपीज, प्लीज रिप्लाई मी इन 2 लेटर्स. ठीक है, इफ आई हैव रिटन 2 लेटर्स तो शी नीड्स टू गिव हर एक्सेप्टेंस टू मी 2 लेटर्स, शी कैन नॉट डू दैट कि वो मुझे ईमेल कर दे. नो, व्हाई? बिकॉज़ आई हैव प्रेस्क्राइब्ड अ मोड, राइट, आई हैव प्रिस्क्राइब्ड अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो इन दिस केस शी नीड्स टू गिव इट थ्रू क्या, लेटर में देना होगा. ठीक है, इफ नो मोड इज गिवन, अगर मैंने ऐसी वंशिका को एक दिन कॉल किया कि वंशिका आई एम विलिंग टू बाय माय कार, तो शी कैन गिव एनी मोड. ठीक है, कोई भी मोड वो दे सकती है, शी कैन राइट मी अ लेटर, शी कैन राइट मी अ ईमेल, शी कैन टेक्स्ट टेक्स्ट मी दैट यस श्वेता मैम आई एम विलिंग टू बाय योर कार. ठीक है, नाउ नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इफ इन केस देयर इज अ चेंज, देयर इज अ डाइवर्जन फ्रॉम द प्रेस्क्राइब. ठीक है, मान लो कि मैंने मैंने वंशिका को कहा है कि रिप्लाई मी, सेंड योर एक्सेप्टेंस थ्रू लेटर, बट इफ वंशिका सेंड्स एन ईमेल, तो नाउ इट इज अप टू मी इफ आई वांट टू एक्सेप्ट इट और आई वांट टू, आई कैन ईदर एक्सेप्ट इट कि ठीक है यार बच्चे ने मुझे रिप्लाई टू कर दिया, शी हैज गिवन हर एक्सेप्टेंस, बट देन गुड, और एल्स आई कैन आस्क वंशिका कि नो वंशिका सेंड मी अ लेटर, आई वॉन्ट दी एक्सेप्टेंस लेटर. ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? ओके, नाउ लिखो कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कंक्लूडेड. कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कंक्लूडेड, Contract when concluded. When concluded. ठीक है, इसमें ऐसे करके बनाइएगा. ठीक है, इसमें ऐसे करके बनाइएगा. इसमें इस तरफ लिखिए पोस्टल रूल, पोस्टल रूल इधर आएगा और इधर लिखिए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस इन इंस्टेंटेनियस रूल. ठीक है, इट इज आई एन एस टी ए एन टी ए एन ई ओ यू एस, इंस्टेंटेनियस रूल. ठीक है, क्लियर? एक तरफ लिखना है पोस्टल रूल, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बाय लेटर, ऑल राइट, एंड द अदर साइड यू नीड टू राइट इंस्टेंटेनियस रूल. इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा कॉन्ट्रैक्ट बाय फोन प्रेजेंस ऑफ पार्टी. अच्छा ये बताओ कि क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इंस्टेंटेनियस रूल भी लिखा हुआ है, फोन वगैरह का भी? बताओ बताओ इसे कि द रूल्स कि क्या होगा नहीं होगा लिखा हुआ है. विशाल से Yes, no, yes, no, yes. All right, did some extra answer? The answer is no, it is not written. What? When did Indian contract act came on force?
कब आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विशाल बाबू? कब आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? 1860 राहुल, 1872, यस 1872 में क्या फोन था? नहीं था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट टॉक्स ओनली अबाउट पोस्टल रूल। ठीक है, अब लिखो। गुड गुड, फर्स्ट फर्स्ट सितंबर, ऑल वेरी गुड वेरी गुड। अमेंडमेंट नहीं हुई, नहीं अमेंडमेंट नहीं, बता रही हूँ आगे बता रही हूँ। केस लॉ आया, पोस्टल रूल। ठीक है, सारी सब लिखो। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट टॉपिक दीजिए। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन पोस्टल रूल में लिखिए, पोस्टल रूल में लिखिए, जल्दी जल्दी लिखेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वी नीड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग। फिर आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि मैम कब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ लेटर, इन केस ऑफ लेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, इन केस ऑफ लेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। इन केस ऑफ लेटर, इन केस ऑफ लेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड फुल स्टॉप। इट डजेंट मैटर इफ इट रीचेज द ऑफरर और नॉट, इट डजेंट मैटर इफ इट रीचेज द ऑफरर और नॉट। द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट इवन इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट इवन इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज लॉस्ट बर्न एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल राइट, रिटन ऑल ऑफ यू। देखो अगर नहीं हो रहा है तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाता है वो देख लेना। या ठीक है, इन केस ऑफ लेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। ठीक है, वेरी स्लो। इट डजेंट मैटर इफ इट रीचेज द ऑफरर और नॉट, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट इवन इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज लॉस्ट बर्नड एक्सेट्रा। रिकॉर्डेड लेक्चर में नोट्स बना लेना, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। 1 महीना बस बचा है अब एग्जाम को, 26 को शायद एग्जाम है नेक्स्ट मंथ। इन केस ऑफ फोन, इंस्टेंटेनियस में लिखिए, इन केस ऑफ फोन, इन केस ऑफ फोन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, इन केस ऑफ फोन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस इज, ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस इज थर्ड बाय द ऑफरर, ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस इज थर्ड बाय द ऑफरर। मेयरली स्पीकिंग ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मेयरली स्पीकिंग ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, रादर इट मस्ट बी क्लियर ऑडिबल एंड मस्ट बी एक्चुअली हर्ड बाय द ऑफरर। ठीक है, नाउ देखो, मान लो ए एंड बी है, ए है बी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ए ने बी को ऑफर, आप लोग आंसर देंगे, ए ने बी को ऑफर दिया था थर्ड को। एक मिनट, इतना ए है, मान लीजिए ए है एंड बी है,
ए ने बी को ऑफर दिया, ऑफर दिया, ठीक है, दिस इज ऑफर, ही गेव इट ऑन 20th, ठीक है, ही सेंड्स अ लेटर टू बी ऑन 20th, ठीक है, द लेटर रीचेस टू बी ऑन 23rd, एंड नाउ बी सेंड्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू ए ऑन 25th, द लेटर रीचेस ए ऑन ऑन व्हेन, द लेटर रीचेज ऑन 28th. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वन चक 20 अहमद, गुड अहमद, 25th एग्जैक्टली. बोला क्या है, जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को हम पोस्ट करते हैं वो डे होता है डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है. तो पोस्टल रूल में होता है, इन केस ऑफ लेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड. जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का पोस्ट हो रहा है 25 तारीख को, ठीक है, तो उस दिन हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, की डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, 25th होगा, ठीक है. इंस्टेंटेनियस मोड में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मोड में होता है कि जब मान लो कि आई एंड विशाल वी आर ऑन कॉल, एंड आई टेल विशाल ऑन कॉल, विशाल विल यू बाय माय कार फॉर 1 लाख रुपीज, विशाल सेज ऑल राइट मैम आई विल बाय योर कार. लेकिन वो जैसे ही बोलता है वैसे ही नेटवर्क गायब हो जाता है. ही सेज यस बट आई कैन नॉट हेयर इट, तो विल इट अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट. या उसी में मान लीजिए कि एक प्लेन पार हो जाए एंड आई एम नॉट एबल टू हेयर इट, विल इट अमाउंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नहीं, अगर वो नहीं सुन पाएगा तो नहीं होगा. इफ फॉर इंस्टेंटेनियस मोड इट इज इम्पोर्टेंट दैट कि द अदर पार्टी द ऑफरर मस्ट मस्ट हियर इट, ठीक है, ठीक है. नाउ प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, ठीक है, पोस्टल रूल में होता है. प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, दैट इज वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्टार्ट्स इट्स जर्नी. आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन वंस आई एम डन विद इट, ठीक है, आई विल टेक द क्वेश्चन वंस आई एम डन विद इट, दिस टॉपिक आई एम डन, देन आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन. या फिर ना मुझे बार बार आई नीड टू लाइक गो बैक एंड आई नीड टू चेक द चैट बॉक्स, मेरे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है. इंस्टेंटेनियस में आपका राहुल ईमेल भी आएगा, वो हम पढ़ेंगे कि ईमेल में कब होता है. इस इंस्टेंटेनियस में वी वर डिस्कसिंग फोन, ठीक है, फोन के बारे में हम बात कर रहे थे राहुल. और कौन है, नॉट ऑडिबल, अच्छा डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया है, अभी थाम धरा, रुको रुको बताऊंगी, आगे कंप्लीट करूंगी फिर क्वेश्चन, बस क्वेश्चन लिख लो. आई एम नॉट टेकिंग द क्वेश्चन राइट नाउ, आई विल टेक द क्वेश्चन वंस आई एम डन विद द टॉपिक. लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्लेस, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, दैट इज वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्टार्ट्स इट्स जर्नी, ठीक है. प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंटेनियस मोड में क्या होता है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड बाय द प्रपोजर, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड बाय द प्रपोजर. अब मुझे बताना कि मान लो ए है बी है, ठीक है, मान लो ए इज इन आगरा, ठीक है, ए कहाँ है, आगरा में है, और बी, ए मान लो दिल्ली में है, I'm
ठीक है, ए है एंड बी है, ठीक है। देखो मैंने स्मॉल किया है ताकि वॉट जाए पूरा। ए है, बी है, ए मान लो इज इन दिल्ली, बी है ये डी, ठीक। और ये कहाँ पर है, बी इज इन, बी इज इन आगरा, ठीक है। नाउ ए टेल्स बी, विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख रुपीज। कार की डीलिंग हो रही है, ए कह रहा है बी को कि विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख रुपीज। मान लो ये मान लो ये डेट क्या होगा, ये मान लो ये 1 तारीख का है, ठीक है। जैसे फर्स्ट फर्स्ट ऑफ अगस्त, ठीक है, 1 तारीख का डेट है यहाँ, ये वाला ऑफर गया। फिर मान लो बी ए को रिप्लाई करता है 3 मार्च को, ठीक है, 3rd को करता है, क्या कहता है, और इस वक्त ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है, ठीक है। नाउ ही इज इन मुंबई, इस दिन वो रिप्लाई लेटर पोस्ट करता है, मुंबई से करता है, ये दिल्ली में। भाई साहब द लेटर रीचेस कब, इट रीचेस ऑन 5th ऑफ मार्च, 5th मार्च, ठीक है, 5 मार्च को। नाउ टेल मी द क्वेश्चन इज, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ और प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ। वेरी गुड गाइस, किसी को कोई डाउट इस चीज में, कोई डाउट, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, क्लियर है, यस। 3rd को जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ, 3rd कहाँ से पोस्ट हुआ, मुंबई से हुआ, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। नाउ इंस्टेंटेनियस मोड में मैंने क्या बोला, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड बाय द प्रपोजर, ठीक है। मान लो ए है, मतलब ए है एंड बी है, ठीक है, ऑन कॉल बात हो रही है 1st मार्च को। 1st मार्च को ए ने बी को ऑफर दिया, विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख रुपीज, ठीक है। नाउ 2nd मार्च को बी कॉल करता है ए को, ठीक है, मान लो या ही इज इन दिल्ली एंड ही इज इन मुंबई, ठीक है। 2nd मार्च को बी फिर कॉल करता है ए को, क्या, एंड इस वक्त ये मान लीजिए ही इज इन आगरा एंड दिस पर्सन इज इन दिल्ली, ठीक है, ये 2nd मार्च को है, दिस इज 1st अगस्त चल रहा है, सॉरी अगस्त, ठीक है। नाउ मान लीजिए एक्सेप्टेंस नहीं हर्ड हुआ, पहले ये बताओ एक्सेप्टेंस नॉट हर्ड बाय ये, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, नो, गुड। फिर मान लो उस दिन नहीं हुआ, फिर 3rd को फिर ड्यू टू सम नेटवर्क इशू कॉल कर दिया, 3rd को फिर कॉल करता है बी, एंड इस वक्त दिस पर्सन इज इन दिल्ली, बी इज इन दिल्ली एंड ए इज इन मुंबई, मान लो। नाउ टेल मी विच इज द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड विच इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विच इज द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड विच इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, किसी को कोई डाउट इसमें है, किसी को कोई डाउट, आई होप नो। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, 3rd को, 3rd को होगा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हो जाएगा मुंबई जहां पे एक्सेप्टेंस 3rd हुआ। वेरी गुड, देखो पोस्टल रूल के केस में द एक्सेप्टर इज पावरफुल, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे नहीं समझ में आया, ए है कौन, भूमिका है ना, ए बी को कॉल किया 1st मार्च को, ये 1st मार्च को कॉल किया और कहा कि विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख रुपीज। बी ने कॉल बैक किया, मैंने थोड़ा सा, और यहाँ पे ये दिल्ली में है और ये मुंबई में था, राइट, दिस पर्सन वॉज इन दिल्ली एंड दिस पर्सन वॉज इन मुंबई दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक, 1st को। 2nd को फिर क्या हुआ, ए एंड बी है, ए 2nd को बी ने कॉल किया लेकिन ड्यू टू सम नेटवर्क इशू वो बात नहीं हो पाया, इस वक्त हमने ए को कहाँ कर दिया था, आगरा में कर दिया था,
ठीक है, अब बी कहाँ पे था, बी को हमने दिल्ली में किया था, ठीक, क्योंकि सब नेटवर्क इशू बात नहीं हो पाया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। फिर थर्ड को फिर बी ने कॉल किया ए को, ठीक है, बी ने कॉल किया ए को, ए उस वक्त मुंबई में है और ये यहाँ पे दिल्ली में है, बताओ जिसको डाउट था क्या होगा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस ऑफ डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी समझ में आया, ये हम इंस्टेंटेनियस मोड की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस मोड में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो जगह होती है जहां पे एक्सेप्टेंस इज हर्ड। तो एक्सेप्टेंस हर्ड कहाँ हो रहा है, एक्सेप्टेंस हर्ड हो रहा है मुंबई में, तो ये होगा यस। नाउ ऑल राइट भूमिका, नाउ पोस्टल रूल के में एक्सेप्टर इज पावरफुल और इसमें कौन पावरफुल होता है, प्रपोजर इज पावरफुल। पोस्टल रूल इज मेंशन इन आईसीए, पोस्टल रूल इज मेंशन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ हाँ भैया कह सकते हैं कि ऑफरर इज पावरफुल, शायद ये लिखा है तुमने, इज मेंशन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड प्रपोजर इज पावरफुल हियर। एंड ये रूल कहाँ पे आया था, तो ये रूल डिक्लेयर हुआ था भगवान दास, भगवान दास हाँ कह सकते हैं राइट रोहित राहुल, यस दैट इज व्हाट आई टॉट अंकित राइट नाउ, दिस वाज इंस्टेंटेनियसली राइट अंकित, यू आर आल्सो राइट। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये केस कहाँ आया था, ये आया था भगवान दास गोवर्धन दास केडिया, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस पुरुष, लिख लो यार, वर्सेस पुरुषोत्तम दास गिरधारी लाल, वर्सेस पुरुषोत्तम दास गिरधारी लाल लाल। इस केस में ये केस लॉ इवॉल्व हुआ था। ईमेल में आ जाओ, ईमेल में लिखो, ओहो ईमेल में इधर लिखो, इन केस ऑफ ईमेल, इन केस ऑफ ईमेल द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, द कॉन्ट्रैक्ट सेम केस था राहुल, इसमें ना आपका प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने की बात थी, तो यही डिसाइड हुआ था इस केस में। ठीक है, इन केस ऑफ ईमेल द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट एज सून एज द एक्सेप्टेंस रीचेज द मेल बॉक्स। ठीक है, हाउएवर रीडिंग ऑफ ईमेल इधर लिख लो, हाउएवर रीडिंग ऑफ ईमेल इज नॉट रिक्वायर्ड। मान लो ए है बी है, बी ने जैसे ही ईमेल में अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, मान लो थर्ड को दे दिया, तो जैसे ही इसके मेल बॉक्स में पहुंचा तो वो क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीचेज दी मेल बॉक्स, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज बताती हूँ, ये मैंने आपको बताया कि ए कब बाउंड हो जाए, चलो रिवोकेशन आगे पढ़ाऊंगी ही, तब चलो अब तुम लोग मेरे को बताओ कि लेटर के केस में कब होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही लेटर सेंट हो जाता है। ठीक है, ईमेल के केस में कब होता है, सेंट मैंने लिख दिया, हाँ भाई पोस्टेड। ईमेल में कब हो जाता है, जैसे ही रिसीव्ड हो जाता है मेल बॉक्स में, वेरी गुड। ठीक है, फोन में कब हो जाता है, फोन में जैसे ही हर्ड हो जाता है। ऑल राइट, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑल राइट गुड गुड शिवानी, या नाउ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन यार व्हाट्सएप में अभी आप नहीं बना, कोई ऐसा आया नहीं है व्हाट्सएप के लिए जजमेंट, और इफ आया तो आई एम नॉट अवेयर राइट नाउ, एंड इफ अगर ये आप लोगों का होमवर्क है कल की क्लास में पता करके आना, अगर कोई जजमेंट आया है तो व्हाट्सएप का, ये जिसने क्वेश्चन पूछा है वो मेरे को बताएगा सर्च करके। ठीक है।
रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देखो रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यस अंकित, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऐसे बनाइए, इसमें लिखिए प्रपोजर और इसमें लिखिए एक्सेप्टर, ठीक है। द प्रपोजर कैन टेक बैक हिज ऑफर बिफोर, इसमें लिखिए द प्रपोजर कैन टेक बैक हिज ऑफर बिफोर द एक्सेप्टर सेंड्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, द प्रपोजर कैन टेक बैक हिज ऑफर बिफोर द लेटर बिफोर द एक्सेप्टर सेंड्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर में लिखिए, इसमें द एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, the acceptor can revoke his acceptance before the letter of acceptance reaches the proposer, theek hai, likh liya. Now maan lo a hai aur b hai, even if it is in transit, that is what I said na, even if it is lost, so jo proposer hota hai wo bound ho jata hai, this is what the law says, theek hai, sunne mein thoda atpata lagta hai but this is what the law says. A maan lo A ne first August ko maan lijiye letter diya, will you buy my car for 1 lakh, theek hai. Now 3rd March ko, थर्ड अगस्त को मान लीजिए बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है, ठीक है, एंड ये जो लेटर है इट रीचेस ए ऑन 6th, ये लेटर रीचेस ए ऑन 6th मार्च, ठीक है, क्लियर है. ए ने बी को लेटर ऑफर कब भेजा, 1st अगस्त को, बी ने रिप्लाई कब दिया, पोस्ट कब किया लेटर, 3rd को, इसको कब मिला, ए को कब मिला वो लेटर, 6 अगस्त को, ठीक है. तो भैया ए जो है, ए अपना ऑफर कब तक ले सकता है वापस, ए कैन टेक बैक हिज ऑफर, यस आदित्य, ए कैन टेक बैक हिज ऑफर बिफोर बी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज ऑन 3rd of August, ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर, दिमाग यहां रखिए, फिर से मैं बता दे रही हूँ, somebody is not clear, मैं फिर से last time बता रही हूँ कि proposer can take back, proposer कौन है इसमें, proposer is A, B is the acceptor, right? This thing is clear, I hope. तो the proposer can take back his offer before the acceptor sends the letter of acceptance. तो यहाँ पे letter of acceptance किस दिन post हो रहा है, 3rd को हो रहा है ना, तो ए कैन रिवोक हिज ऑप्शन बिफोर ऑफर बिफोर 3rd बिफोर 3rd ही कैन रिवोक हिज ऑफर, वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज सेंड, यू कैन नॉट, द प्रपोजर कैन नॉट टेक बैक हिज ऑफर, ही कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर, ठीक है. बी बताओ, बी कब तक कर सकता है, बाय व्हेन बी कैन टेक बैक हिज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर के केस में होता है, द एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द प्रपोजर. ऑल राइट, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड, सब जा रहे हो, सब आ रहे हो लॉ फैकल्टी में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. 6 तारीख से, 6 तारीख को उसको मिलता है, उससे पहले ही कैन रिवोक, ठीक है, क्लियर, ठीक है. आप बताओ, डाउट्स पूछो जल्दी से इस टॉपिक के, फिर आई विल मूव अहेड. विशाल विशाल, बिफोर 3 कैसे आपने बोला, बिफोर 6 होता, कोई डाउट नहीं है ना,
हाँ, एम एन वही होगा। चलो कोई डाउट नहीं है, दिस टॉपिक इज क्लियर। देन आई मूव विद एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आगे। भैया रीजनेबल टाइम में राहुल, मैंने अभी नोट्स दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप कॉल कर दो ना। मान लो कि आपको लेटर मिला नहीं है, आप उससे पहले अगर उसको रिवोक कर दोगे तो वो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मनल, हाँ मनल राइट, यस। रीजनेबल टाइम इज रीजनेबल टाइम अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल पर्सन, ठीक है। एक रीजनेबल पर्सन, जब भी वेन एवर वी टॉक अबाउट रीजनेबिलिटी तो वी टॉक अबाउट अ रीजनेबल पर्सन। अगर कोई बहुत ही एकदम स्लगिश आदमी है जो एकदम बहुत स्लो है, उसके लिए तो भैया रीजनेबल टाइम 6 महीना होगा, बट एक रीजनेबल पर्सन के लिए तो वो होगा नहीं। रीजनेबल पर्सन के लिए क्या होगा? विद इन अ रीजनेबल टाइम, अगर मान लो इफ आई एम डीलिंग इन पेरिशेबल आइटम, तो रीजनेबल टाइम क्या होगा? 1 दिन, कुछ घंटे, 2 दिन, राइट? इट डिपेंड्स फ्रॉम सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। नाउ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज अ इम्पोर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट। फर्स्ट मैंने बताया ही भी था थोड़ा बहुत, फिर से बता रही हूँ आज प्रॉपरली। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यार बहुत ज्यादा ही बुरा लिखती हूँ मैं ऐसे भी ना, सच्ची बताऊँ मैं इवन बोर्ड में जब लिखती हूँ ना बच्चों को, तो मैं बहुत गंदा लिखती हूँ। मेरे आंसर शीट में मुझे नहीं पता कि टीचर मुझे मार्क्स कैसे देता है, क्योंकि वंस आई राइट, आई राइट गुड, माई माई कंटेंट्स आर गुड, माई राइटिंग इज पथेटिक। इतना बुरा लिखती हूँ कि बता नहीं सकती। कुछ जब पढ़ती हूँ तो मुझे देन फिर मुझे ना ऐसे 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 फिर से लिखना पड़ता है कि अच्छा मैंने ये लिखा है, तभी तो मैं बहुत बुरा ही लिख रही हूँ, क्या बोलूँ। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट है ना, सही बोलते हो। एंड पता है फिर मैंने ना एक तो देख लेते हैं, मैंने ना एक मीम पढ़ा था। जैसे माई माई सिस्टर, लाइक माई आई एम दी यंगर वन इन दी हाउस, तो मेरी बड़ी बहन जो है ना, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, लाइक शी इज वेरी गुड, शी इज आर्टिस्टिक। वो पेंटिंग वगैरह भी बहुत अच्छा करती है, और मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। इफ यू आस्क मी टू ये अच्छा, तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे आई नो नथिंग। तो मेरी दीदी को ज्यादा अच्छा करती थी, हम लोग छोटे थे ना, तो मेरी मम्मा जैसे बायो बायो का, दीदी का ड्राइंग वगैरह काफी अच्छा था, तो मम्मी हमेशा ना दीदी को जब भी वेन एवर गेस्ट वुड बी एट होम ना, तो जस्ट टू शो ऑफ दैट माई माई एल्डर डॉटर इज सो गुड, शी वुड आस्क माई लाइक। ऐसा टिपिकल था मेरे घर में, आई डोंट नो व्हाई। मेरे घर में लाइक मम्मा दीदी को बुलाती थी कि अच्छा मम्मा बुक लेकर के आना, कॉपी लेकर के आना, एंड शी वुड राइट ब्यूटिफुली। इवन इन क्लास 4 5 वो बहुत ज्यादा ही अच्छा लिखती थी, एंड मैं बहुत ज्यादा ही बुरा लिखती हूँ। तो मेरा वो एम्बेरसमेंट तब का ही है। तो अभी मैंने एक मीम देखा है, ठीक है, एक मैंने अभी न्यू मीम देखा है, जिसमें आई रेड कि जिस इंसान का दिमाग बहुत फास्ट चलता है ना, उसकी राइटिंग बुरी रहती है। तो अब इफ समबडी टेल्स मी दैट योर राइटिंग इज बैड, तो आई टेल देम कि यार मेरा दिमाग इतना फास्ट चलता है ना कि मेरी राइटिंग बुरी है, ठीक है। अब कुछ बहाना तो बनाना होगा, तो दिस इज माई एक्सक्यूज। यू गाइस, किसी की अगर गंदी राइटिंग है बोलना कि भैया मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। अरे इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, कुछ नहीं पता है तुम्हें, सही बात है। है ना, हाँ एग्जैक्टली, इट्स नॉट ऑलराइट। चलो ठीक है, चलो चलो नाउ काम। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट पहला लिखो, फर्स्ट इज कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, लिखूंगी भी समझ में आए खुद करो। सेकेंड इज फ्री कंसेंट, दिस इज कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, सीसी, फ्री कंसेंट।
प्री कंसेंट, थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन, इसमें से जो जो पढ़ा दिया है वो नहीं पढ़ाऊंगी फिर से, लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, बता दिया है ये सभी बता दिया है, बट ऊपर के दो मुझे फुल फ्लेज्ड वे में पढ़ाने थे, ठीक। Not declared to be void. Not declared to be void. Fifth is not declared to be void. Can the brain change now? Not declared to be void. Not declared to be void. ठीक है? समझ लो यार, not declared to be void बोल रही हूँ। Now competency to contract में क्या क्या आता है भैया? क्या क्या आता है? जल्दी जल्दी बताओ। Majority. Age of majority क्या होती है? दोनों बताना। Guardian के केस में पहले बताओ। क्या होता है age of majority? वेरी गुड, साउंड माइंड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, साउंड माइंड। एंड थर्ड वन वॉज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। नाउ आ जाओ, एक एक करके करते हैं, साउंड माइंड पहले करते हैं, साउंड माइंड पे आओ, साउंड माइंड पे। नेचर ऑफ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिखो कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, ऊपर यहाँ लिख लेना, हेडिंग दो कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, फिर ऐसे दो ब्रैकेट बनाइए, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ इधर लिखिए नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट द साउंड दैट अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड, इफ If if he if he if he has the capacity to understand the nature of the contract, its terms, condition, etc. इधर लिख लीजिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अफेक्ट अपॉन वन्स ओन इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पर्सन नॉट ऑफ साउंड माइंड, सेकंड टॉपिक। भैया पहले पहले मत पूछो क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट होगा तब बताऊंगी, आगे आगे मत बढ़िए, ठीक है। पर्सन नॉट ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग होगा पर्सन नॉट ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीन लोग नहीं होते हैं, इनसेन, यहाँ इनसेन लिखिए, यहाँ लिखिए इंटॉक्सिकेटेड, यहाँ लिखिए इल, ठीक है। इनसेन को फर्दर डिवाइड करिए इडियट्स एंड ल्यूनाटिक में, ठीक है। ल्यूनाटिक, एल यू एन ए टी आई सी, ल्यूनाटिक। इडियट में लिखिए मैड सिंस बर्थ, इडियट में लिखिए मैड सिंस बर्थ, जो जन्म से ही पागल हुए इज कॉल्ड एज इडियट। ल्यूनाटिक किसे कहते हैं? आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड में आइए, दिस वॉज इंटॉक्सिकेटेड, द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन शुड बी वेरी हाई, दी एंड इट शुड बी इनवॉलेंट्री, द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन शुड बी वेरी हाई एंड इट शुड बी इनवॉलेंट्री। इल में द फिजिकल इलनेस शुड बी ग्रेव एंड सीरियस, इल में यहाँ पे इल था, the physical illness should be grave and serious. Now a question arises, de rahi hu batana. Raj is bhumi, tumhe wo answer mil jayega, bhumika, you will get the answer of a question isi mein, same question main tumhe se puch rahi hu. Raj is usually of sound mind and occasionally of unsound mind, theek hai. There is this person Raj jo ki usually sound mind ka rehta hai lekin kabhi kabhi unhe daura padta hai, like sometimes he is of unsound mind. Now the option is batana, Raj can always enter into a contract, Raj can always enter into a contract, Raj can never enter into a contract, Raj can never enter into a contract. अरे ऑप्शन तो सुन लो, इसी में तुम लोगों को नंबर नहीं आएंगे, ऑप्शन सारे सुनने नहीं है, पहले बता दे रहा हूं आंसर, वेट। राज कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, राज कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, डी राज कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इवन व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यस सी इज द आंसर, सबको पहले नो और यस कर रहे थे। Now next question, good good good, all of you are coming to law faculty, great. Raj is usually of unsound mind, Raj is
usually of unsound mind and occasionally he is of sound mind. Raj can, option A, Raj can enter, can always enter into a contract. Raj can never enter into a contract. Raj can enter into a contract when he is of sound mind, none of the above. See, all right. So isse hame kya nikla? Isse hame nikla, kya shiksha milti hai? Shiksha hame yaha milti hai ki the person should be generally of sound mind is not the thing. Theek hai? That a person should be generally of sound mind? Nahin, wo nahin chahiye. Hame kya chahiye? That the person should be sound mind at the time of contract. At the time of contract, the person should be of sound mind. Theek hai, clear hai? एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा void, void, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? void. Now, person disqualified by law हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? ये मैं फिर आप लोगों को नहीं बताऊंगी. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग द वीडियो इज देयर, तो आप लोग आज की क्लास मैं यही पे रैप अप करूंगी, ठीक है? आज रैप अप की क्लास नाउ टेल मी द रैप व्हाट मिनिमम फॉर और वही रुक जाओ, मुझे भी देखने दो क्या क्वेश्चन है. सब यहाँ टीचर ही है. इट शुड बी टू और मोर, प्लुरालिटी ऑफ पर्सन. फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने प्लुरालिटी ऑफ पर्सन, टू और मोर. देखो क्लास इज ओवर, हूएवर वांट्स टू लीव दे कैन लीव. इफ समबडी हैज एनी डाउट, इफ समबडी वांट्स टू से समथिंग, they are most welcome. Now I'll just talk for 2 minutes and I'll end. Ab a person disqualified by law mein maine kya kya bataya tha? Enemy alien bataya tha, foreign sovereign bataya tha, convict bataya tha. Lekin convicts mein is baar ka answer kuch different aaya hai. That I need to read. Ki dekho convicts mein jab tak jo insaan jail mein sabka kaatta hai, that point time they cannot get into a contract. Enemy alien wala. देखो यस यस आपने बंद करी तो हमने देख लिया. बोलो किसका कितने कितने क्वेश्चन भेजा था. यू हैव अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड. ऑलराइट, साउंड माइंड इज एसेंशियल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? हाउ मेनी पीपल कैन बी इन कॉन्ट्रैक्ट. मैम जनरल ऑफर इज इंप्लाइड और एक्सप्रेस. General offer is expressed. Offer is expressed. Why? Because it is in writing. But general offer of acceptance is not implied. That is what I'm reading the question. But tell me, how many people can be in a contract? Who or more should be? Who should rule? Who should be? Which season? राहुल पूरा आंसर. हाँ देखो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल. देखो इन इन सच केसेस ना, इफ 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 दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑफ अ पर्सनल स्किल. मान लो कि कोई किसी को, इफ 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 द पर्सन इज सिंगल एंड ही गोस मैन, तब तो वो भाई अवॉइडेबल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. लेकिन वॉइड हो जाएगा क्योंकि इज नॉट केपेबल, लाइक वो पॉसिबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर उसके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आयर्स है, लीगल आयर्स है, ये देखें देखें तो वो गलत रहेगा. इन अपन बताओ दिया तो वेट करो ना, थर्ड पार्टी का भी रोल होता है. चलो बताऊंगी दोस्त बाद में, पहले ही मैं देख रहा. मैंने पर्सन, वन ऑफ द पर्सन इज इन्वॉल्व, but there are other people also who are disqualified by law. For example, enemy alien. इसके साथ India is at war. You do not get into a contract. ठीक है? And इतना जो exactly I agree with Rishi, you
इग्नोर टू गो सो मच, ठीक है, नहीं पूछेंगे इतना क्वेश्चन, ठीक है, इतना नहीं पूछेंगे आप लोगों से कि आप लोग बताइए कि गारंटी क्या होता है, फन्ना क्या होता है, लिखना क्या होता है. दे नॉट गोइंग टू आस्क ऑल दीस क्वेश्चंस टू यू. टू सेलेक्टिव स्टडी, इफ यू ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग ना, तो फिर यू विल एंड अप डूइंग नथिंग, ट्रस्ट माय वर्ड. एग्जाम निकालना आपको नॉलेज रहेगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग नॉलेज एंड क्वालिफाइंग एग्जाम. आई नो पीपल हु हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम, बट देयर आर certain questions who certain students who are like doing practice study and एक बार में सब मत पढ़ने की कोशिश करिए, नहीं आता है. टाइम करना है वो कर लेना, बट कोई बहुत ये बताऊंगी मैं एजेंट एंड बेली बेलर वगैरह बताऊंगी, बट बहुत क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, ठीक है. देखो is what I saw. अभी जस्ट बताया राहुल, the contract will be void अगर personal का है. अगर मान लो कि I and you we get into a contract, ठीक है, आपको मैंने कहा कि मेरे घर में आप 10 बोरी अपने दुकान से, आप अपने शॉप से मेरे घर में 10 बोरी चीनी भिजवा दी, ठीक है, I told you this, we get into a contract. Now is this a contract of personal skill? It is not. It is a simple contract. So now this is a valid contract even if you get mad. Why? Because your legal heir, your kids, your brother and sister, like जो भी आपके legal heir होंगे, they will be bound to do it. ठीक है? देखो अब जब लेकिन क्वालिटी एंड सॉलिड मार्क्स बीएचयू में बहुत कुछ एलबी में इतना नहीं गैप है, इन डेप्थ में नहीं. चलो अब मैं और फ्रॉम योर एंड आज की क्लास यहीं पे मैं स्थगित करती हूँ, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय.